महाराज जी भगवान रामलला 500 वर्षों के बाद अपने अस्थाई मंदिर में विराजमान हो, ये दीपावली उनकी आखिरी दीपावली हो गई अस्थाई मंदिर में, कैसा है? कैसा ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अयोध्या वासियों के लिए कैसा रहेगा महाराज जी? बहुत मंगलमय होगा। आपने ही महाराज जी रामलला की आपके गवाही से ही उनको ये हुई उपलब्धि मिली थी आपके ही, इसीलिए वही मेरा अमृत महोत्सव में मना रहे हैं। जी जी, 14 जनवरी से 22 जनवरी मेरा अमृत महोत्सव जहाँ जो मन रहा है, अरबों का खर्च होगा, मेरे पास तो पैसा है नहीं, वही रामलला कर रहे हैं और मैं उनके गुरु गोत्र का ही हूँ, जैसे गिरीश त्रिपाठी है ना, मैं भी वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूँ। ये दीपावली रामलला का भव्य और दिव्य अस्थाई मंदिर में रहेगा, अगली दीपावली जो होगा वो अस्थाई मंदिर में, जो पहले अस्थाई मत बोल, स्थाई, स्थाई अस्थाई नहीं, अस्थाई तभी हो रहा है, स्थाई क्या बोलोगे, स्थाई स्थाई थप्पड़ लगाऊंगा, स्थाई 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 ये नहीं, तुम भी गलत हो रहे हो, स्थाई स्थाई स्थाई। अगले वर्ष भगवान ने चाहा तो हम लोग 1 करोड़ दीपावली, 1 करोड़ दीपक जलाएंगे। महाराज जी भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं, ये पूरे हिंदू धर्म के लिए एक बहुत गर्व का विषय रहेगा। 500 वर्षों सालों का ये तपस्या है, ये संघर्ष है, इस पे क्या कहना है? यही माली जब अपने वृक्ष को फलित फूल पुष्पित देखता है कितना प्रसन्न होता है। हम लोगों ने संघर्ष किया, डंडे खाए, जेल गए, आज भी पुरुष के डंडे से मेरी ये कलाई टेढ़ी हो चुकी, देखो यहाँ देखो ये नहीं टेढ़ी है, देख रहे हो ना, दोनों मिला के देखो, फोटो में देख ले लो। मैंने कांग्रेसियों ने डंडा लगाने मुझे भी नहीं छोड़ा, 8 दिन तक जेल में रहे, कुछ नहीं खाया पिया, सारी हमारा पंडाल जलाया गया दिल्ली में, सोचा कि जगत गुरु जी को ही जला दें, पर संयोग था कि मैं पंडाल में रहता नहीं हूँ। अब मेरे बयान ने सब कुछ दिशा बदल दी पूरी पूरी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज आज आपके जन्मदिन का भूमि पूजन होने जा रहा है, कौन सा कार्यक्रम, कितना दिनों का कार्यक्रम? बता दीजिए, मैंने आज भूमि पूजन हो रहा है ना, और ये 14 जनवरी से 22 जनवरी, और 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ आज तक कभी नहीं हुआ, और प्रतिदिन मेरी कथा 75 देशों के लोग मुझसे मिलने आएंगे, 75 नदियों का जल आएगा, 75 तीर्थों का रज आएगा, पूरी रथ यात्रा निकल रही पूरे देश में, बहुत अच्छा लगेगा। मोदी जी भी उसी वक्त अयोध्या आ रहे हैं आपसे भी, तो चित्रकूट मुझे मिलने गए, तुमको नहीं पता, देखा नहीं। जी जी।